Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. कलकत्ता इंडिया का एक खूबसूरत राज्य है. यहाँ पर आपको एक से एक खूबसूरत पैलेस देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक है मार्बल पैलेस. मार्बल पैलेस कलकत्ता का एक आलिशान पैलेस है. यह 19वीं सदी के कलकत्ता के सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत पैलेसों में से एक है. ये पैलेस अपनी संगमरमर की दीवारों, फर्श और मूर्तियों के लिए पूरे इंडिया में जाना जाता है, जिसको देखने के लिए पूरे इंडिया के लोग यहाँ पर आते हैं. इस पैलेस को बनाने के लिए 126 प्रकार के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था. इस पैलेस का निर्माण राजा राजेंद्र मलिक ने करवाया था. उन्होंने इस पैलेस का निर्माण कार्य सन 1835 में शुरू किया था और ये सन 1840 में बनकर तैयार हुआ था. जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने इस पैलेस को बनाना शुरू किया था और इसको बनने में 5 साल का समय लगा था. सन 1878 में लॉर्ड लिटन, वायसराय और गवर्नर जनरल द्वारा राजेंद्र मलिक को राजा बहादुर की उपाधि भी प्रदान की गई थी. ये पैलेस 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें रिसेप्शन हॉल, पेंटिंग रूम, मूर्ति कला कक्ष, बिलियर्ड्स रूम और ठाकुर दलान, और इनके अलावा एक संगीत कक्ष और एक बाल रूम भी है. रिसेप्शन हॉल में संगमरमर की मूर्तियां, फर्नीचर, झूमर, प्राचीन उगलदान और जैसी वस्तुएं देखने को मिलती हैं. इसमें कलाकृतियों का एक निजी संग्रह है, जिसमें विक्टोरियन स्मृति चिन्ह से लेकर बेल्जियम के कांच के बर्तन, फ्लेमिश चित्रकार पीटर पॉल रूबेंस और कई अन्य अंग्रेजी, डच और इतालवी कलाकारों की पेंटिंग शामिल है. इस पैलेस में सन 1830 में इटली और बेल्जियम से लाई हुई 70 कलाकृतियां हैं. इस पैलेस के आसपास एक बगीचा, एक रॉक गार्डन और एक झील और एक छोटा चिड़ियाघर भी है. ये पैलेस अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए पूरे कलकत्ता में जाना जाता है, जिसको देखने के लिए पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं. अगर आप कलकत्ता जाएं तो इस पैलेस को ज़रूर देखें. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.